हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्वदेशी फॉर्म में। फ्रेंड्स, एक बहुत ही लो कॉस्ट और घरेलू सामान का उपयोग करके बनाया गया मात्र 15,000 में 1,000 स्क्वायर फीट का फॉर्म, जो कि आप देख भी रहे हैं। ये इसकी जो छत दिख रही है आपको, इसमें सबसे ऊपर त्रिपाल, उसके नीचे जो है पुआल का उपयोग किया गया है, और उसके नीचे बांस का फाड़ के चचरी और बांस के से इसको बांधा गया है। और इस ये करकट का काम कर रहा है ऊपर में। नीचे में आप देख रहे हैं कि किस तरह से गेट बनाया गया है पुआल और बांस से, उसमें त्रिपाल। नीचे में देख रहे हैं कि बोरा फीट के बोरे का उपयोग किया गया है, और दो एक फीट हाइट जो हम लोग ईंटे की देते हैं वो इसमें बांस, पुआल और फीट के बोरे से नीचे से किया गया है। उसके ऊपर फिर मुर्गा जाली लगाया गया है, और त्रिपाल भी जो पन्नी देख रहे हैं आप गिराया गया है, ताकि टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। सक्सेसफुली इन्होंने एक लोट अभी देसी का निकाला है। आगे इनका प्लान, जो आप ज़मीन खाली देख रहे हैं, इसको बाउंड्री करके इसी तरह से घरेलू चीज़ों से ये बाउंड्री करेंगे और फ्री रेंज अपने बर्ड को निकालेंगे। ये तालाब जो देख रहे हैं इनका अपना है, इसमें कुछ मछली पालन भी ये लोग करते हैं। इतना लो कॉस्ट मात्र 15,000 में 1,000 स्क्वायर फीट का फॉर्म। जो भी मेरे फार्मर भाई हैं, जो कि हम लोग का वीडियो देखते हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं, वो अपना इसी तरह से मेहनत करके एक अपना लो कॉस्ट फॉर्म बना के सक्सेसफुली अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और देखते देखते जब 200-400 बर्ड से भी आप शुरू करते हैं, उसको सेल करते हैं, तो आप धीरे धीरे करके आगे 2-4-5 लॉट में बढ़ सकते हैं, 1,000-2,000 बर्ड का फार्मिंग कर सकते हैं। और देसी 1,000-2,000 बर्ड की फार्मिंग में एक अच्छा इनकम जनरेट आप गांव में रह के कर सकते हैं। बेचने के लिए आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी ट्रेडर भाई से भी मिल सकते हैं, और अपने लोकल, ख़ास लोकल मार्केट पे थोड़ा सा फोकस बनाए रखें, क्योंकि वो एक अच्छा अर्निंग देके जाता है। लोकल जो लोग आते हैं, लेके जाते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट देके जाते हैं। ये जो आप लो कॉस्ट सेट देख रहे हैं, ये मात्र 15,000 की लागत में बना था, और एक लॉट निकल गया, और मुझे लगता है कि साल भर आराम से चल भी जाएगा। यानी 5-6 लॉट बहुत ही प्यार से निकलेंगे इसमें, और फिर धीरे धीरे मेंटेनेंस तो इसमें करते ही रहना होगा, उसके लिए नो डाउट है। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ आंधी आने पे प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी दो सीज़न जो हैं, ठंड की गर्मी का, निकल जाएगा आसानी से। बरसात में आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग मेरे चैनल को इसी तरह से प्यार बनाए रखें। आगे इस तरह के और भी वीडियोस आएंगे, जिसमें मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छा और सीखने लायक चीज़ बताऊंगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।